सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख फिट एक मोहित रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं जो अपने चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि हमारी हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने दो मेन कंपोनेंट से जो कि है हमारा सीपीयू और हमारी रैम जो हम इस बिल्ड में यूज़ करने वाले हैं। तो इस बिल्ड में हम यूज़ करने वाले हैं एक रैम जो कि है DDR2 की 2GB की एक सिंगल स्टिक जिसको हम यूज़ करने वाले हैं और ये 1333 MHz पर क्लॉक्ड है। और देखिए आप, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रैम है और इसको मैंने सिर्फ बाय किया है 200 रुपीज़ में मेरे फ्रेंड से। बहुत ही क्वालिटी रैम है और इसकी जो वारंटी है वो भी है, अभी मैं इसको क्लेम भी कर सकता हूँ। अब इसमें मुझे 1 मंथ की वारंटी भी मिली है। तो देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी की रैम है और ये डुअल चैनल रैम वाली। सो फ्रेंड्स, अगर हम सीपीयू के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके की पैकिंग में मुझे सीपीयू मिला है और जो प्राइस पे मैंने इसे बाय किया है वो है सिर्फ 150 रुपीज़ की प्राइस पे मैंने इसे बाय किया है, वो भी अपने फ्रेंड से। तो इस सीपीयू का जो नाम है वो है Core2Duo का E700 कुछ ऐसा इसका नाम है। तो अभी तक जो प्रोसेसर का जो ऊपर का सरफेस होता है वो काफ़ी रफ हो गया है तो उसका रैम अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं इसे पीसी में असेंबल करके जरूर देख लूँगा कि इसका क्या मॉडल नंबर है। तो कुछ इस तरीके की पैकिंग में आपको सीपीयू मिल जाता है। तो अगर मैं पैकिंग से निकालूँ तो फ्लैश लाइट की वजह से कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन अभी मैं हल्का सा सीपीयू को अगर बेंड कर दूँ तो दिखने लगता है आपको। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगता है कि इसका क्या नाम है। तो इसमें तो लिखा है पेंटियम, लेकिन इसको जनरली हम लोग कहते हैं डुअल कोर। तो इस तरीके का सीपीयू हमको मिल जाता है जो कि मैंने बाय किया है इसे 150 रुपीज़ का अपने फ्रेंड से। तो सो फ्रेंड्स, अगर हम मदरबोर्ड की बात करें जो हम इस बिल्ड में यूज़ करने वाले हैं तो वो है एक G31 का मदरबोर्ड जो कि आप इजीली बाय कर सकते हैं 1700 रुपीज़ से लेके 2000 रुपीज़ तक। लेकिन मैंने इसको एक कॉम्बो में बाय किया था जिसमें मुझे DDR2 की 2GB रैम मिली, एक प्रोसेसर मिला है और एक मदरबोर्ड मिला है G31 का जो कि इजीली सपोर्ट कर सकता है क्वाड Q6600 को जो कि प्रॉपर क्वाड कोर सीपीयू है। तो इसमें हमें दो रैम स्लॉट मिल जाते हैं, एक पीसीआई स्लॉट मिल जाता है, एक ग्राफिक कार्ड लगाने के स्लॉट मिल जाता है और दो साटा के पोर्ट मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का मदरबोर्ड है ये। और अगर हम बात करें इसके पोर्ट्स की तो इसमें हमें दो PS2 पोर्ट मिल जाते हैं एक माउस और कीबोर्ड के लिए, एक मिल जाता है प्रिंटर का पुराने जमाने वाला और एक मिल जाता है हमारा VGA के लिए। दो USB पोर्ट मिलते हैं और एक ईथरनेट पोर्ट और दो USB पोर्ट मिल जाते हैं और कुछ ऑडियो के जैक्स मिल जाते हैं। सो अगर स्टोरेज की बात करें हम इस बिल्ड में तो इस बिल्ड में मैंने यूज़ की है एक Seagate की बैराकुडा 500 GB की हार्ड ड्राइव जो कि मुझे ईजिली मिल गई थी 800 रुपीज़ की। मैंने इसे OLX से बाय किया है और ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी। तो देख सकते हैं जैसे कि इसमें सिर्फ लेवल पे 2-3 स्क्रैच हैं, बाकी इसकी जो कंडीशन है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंडीशन है, मुझे मिल चुकी है ये। और इसको मैंने बाय किया है 800 रुपीज़ का OLX से, जिसे कि आप भी बाय कर सकते हैं इजिली अपने नियर OLX से, मतलब अगर आपको एक डील मिल जाती है कोई ऐसी। तो हमने इसमें यूज़ किया है 500 GB की हार्ड ड्राइव जो कि है 7200 एम्पीयर पर चलने वाली। तो इसी को हम अपनी इस बिल्ड में, सो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का कैबिनेट मैंने यूज़ किया है अपनी PC बिल्ड में जो कि है कंपनी प्यूंटा की तरफ से और आपको ये ईजिली मिल जाता है 1000 रुपीज़ का। लेकिन मैंने इसे यूज्ड बाय किया है और ये मुझे मिल जाता है ईजिली 500 रुपीज़ का एक पावर सप्लाई के साथ जो कि मुझे मालूम नहीं कितने वॉट्स की है, लेकिन जब मैंने उसको स्टिकर को स्क्रैच किया तो उसमें लिखा था कि 400 वॉट की ये PSU है और ये इसका जो आउटपुट है वो है 400 कुछ वॉट्स का। तो ईजिली आप इससे एक लोकल कंपोनेंट चला सकते हैं। और कुछ इस तरीके का कैबिनेट मैंने अपनी बिल्ड में ऐड किया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे कुछ बिल्ड कंपोनेंट जो कि मुझे पड़े हैं अंडर 3000 रुपीज़ के। तो आप भी इन कंपोनेंट को इजीली बाय कर सकते हैं जहाँ पर भी आप रहते हैं यूजिंग OLX और क्विकर। तो फ्रेंड्स, आपको ये बिल्ड कैसे लगी जरूर बताएं कमेंट में और हमारे वीडियो पे लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोज़ के लिए उसके